खाना देखान परौने कोई गरीब दा यार नहीं हूं, कोई कोई यार गरीब दा बनदा ए कोई सोखी कार नहीं हूं। अज के खेड़ा खेड ले सजना ए वेला फिर नहीं ओ लबना, जो भी जंगा सोयो वड़ना मुड़ आना तू इस बाजार नहीं हो। कोई कोई यार गरीब दबंदा ए कोई सौखी कार नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो पाकिस्तानी मोहम्मद रफ़ी के बारे में हम बनाना चाहते हैं। मसूद राणा साहब, मसूद अहमद राणा साहब जो उनका असल नाम था, अगर वो ना होते तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में शायद इतना बूम ना आता एक ज़माने में, और इतना नाम ना होता पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कि मर्द की आवाज़ जिस जैसी उनकी थी और जैसे उनका गाना शुरू होता था और स्क्रीन भर जाती थी और बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी, और खुदा की ज़ात पाक उनको खरीद के रहमत करे। वो बड़े बेहतरीन इंसान भी थे, मेरे वालिद साहब अकमल ख़ान साहब के दोस्त भी थे, बड़े करीबी। तो मैंने सोचा कि उनकी जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो उनकी ज़िंदगी में लाइफ में उन्होंने प्यारी प्यारी चीज़ें गाई हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँ ताकि वो हम जो पुरानी यादों को ताज़ा करें और थोड़ा सा इन्जॉय करें। तो उनकी जो पैदाइश है वो 9 जून 1938 में मीरपुर ख़ास एक जगह सिंध में, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई। और उसके बाद उन्होंने 1965 में अपने जो कैरियर का जो बकायदा आगाज़ किया। इस धरती ते यार नहीं बस दे खिड़दियाँ नहीं गुलजारा यारा नाल बहारा सजना यारा नाल बहारा। अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत से गाने गाए और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ का जो जादू था वो जगाया, और तकरीबन उनकी जो फिल्में हैं 658 के करीब उनकी जो फिल्में उन्होंने जिनमें गाना गाया, और उनमें जो उर्दू हैं गाने वो तकरीबन 407 गाने हैं, और पंजाबी गाने जो हैं वो 640 हैं। और 640 गानों में ज़्यादातर उन्होंने मेरे वालिद साहब पे वो गाने गाए, और लोग यही कहते थे कि अकमल ख़ान की ये अपनी आवाज़ है, इतनी सूट करती थी जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ सूट करती थी, और कई उन्होंने आर्टिस्ट बना दिए, इतनी प्यारी आवाज़ थी। तो ऐसे ही इनकी जो आवाज़ थी बड़े अदाकारों पे वो जचती थी। मेरे वालिद साहब के अलावा भी उन्होंने बहुत से गाने गाए और सुपरहिट हुए। आज इंशाल्लाह वो सारे गाने जो है मैं आपके साथ याद दहानी करवाऊँगा उसकी, और हम इंशाल्लाह उसको बहुत उस चीज़ से महसूस होंगे। तो सबसे पहले जो उन्होंने फ़िल्म साइन की और उन्होंने अपनी कैरियर का आगाज़ किया, उस फिल्म का नाम था इनकलाब। और दूसरा जो मेरे जहन में एक गाना आ रहा है, बड़ा प्यारा गाना है, वो फ़िल्म थी मेरा माही, जो कि 1964 में रिलीज़ हुई, और मेरे वालिद साहब पे वो गाना पिक्चराइज़ हुआ। साड़ी अजब कहानी है, भुल के पुराने दुखड़े नवी दुनिया बसानी है। ओ साड़ी अजब कहानी है, साड़ी अजब कहानी है, ओ भुल के पुराने दुखड़े नवी दुनिया बसानी है, नमी दुनिया है। और फिर 1964 में ही एक और फिल्म आ गई जिसका नाम था भरजाई। तो भरजाई जो थी वो भी 1964 में ही तकरीबन रिलीज़ हुई, और उसका गाना भी बड़ा मशहूर हुआ उस ज़माने में, पिंग टूट गई हुलारा खा के टालियाँ दे टैन भज गए। और जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जब वो फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपने फ़न का आगाज़ किया और गाने गाना शुरू किए, तो उस वक़्त उनको बहुत सी फिल्में मिली, जो कि जैसे मैं 1964 का ज़िक्र कर रहा हूँ, तो 1964 में ही एक और फ़िल्म आई, फ़िल्म का नाम था डाची, और लाला सुधीर पे वो गाना जो था वो पिक्चराइज़ हुआ। और उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे ते पावे चंगदा। फिर साल आया 1965 का, तो उसमें एक बहुत बड़ी फ़िल्म उनकी रिलीज़ हुई, फ़िल्म का नाम था डोली।
तो डोली जो थी उसमें भी अकमल ख़ान साहब जो थे वो हीरो थे और बड़ी वो ज़बरदस्त फिल्म थी। तो उसमें एक गाना बड़ा ज़बरदस्त जो था, गाने तो और भी उसमें बड़े बड़े प्यारे थे, तो झूठियाँ इस तरह लभदा जेड़ा आशिक नहीं सौदाई ये, इश्क दी सब तो वड्डी मंजिल गली गली रसवाई ये। और 1965 में जो फिल्म रिलीज हुई वो बहुत बड़ी फिल्म थी जिसका नाम था मलंगी। तो मलंगी के तकरीबन सारे गाने जो बहुत सुपरहिट हुए, तो उसमें एक अबू शाह साहब पे गाना पिक्चराइज हुआ जो कि हमारे एक सीनियर मोस्ट अदाकारों में उनका शुमार होता था, और वो गाना जो था ओवरलैप हुआ अकमल ख़ान साहब पे और मज़र शाह साहब पे, और बहुत बड़ा गाना था। और अबू शाह साहब गाते हैं एक फ़कीर के रूप में आके कि उठ माजे दया शेर जवाना सौंगे हिम्मत हार वैरियाँ तैनू मार देना देवी गल ना एवें वसा। उठ माजे दिया शेर जवाना सौंगे हिम्मत हार वैरियां तैनू मार देना देवी गल ना एवें वसा। और फिर मलंगी का ये एक और गाना बड़ा सुपरहिट हुआ जो कि मसूद राणा साहब की आवाज़ में था, तो वो गाने के बोल कुछ यूं थे कि खाना दे खान परौने कोई गरीब दा यार नहीं, कोई कोई यार गरीब दा बनदा ये कोई सौखी कार नहीं। अज के खेड़ा खेड ले सजना ए वेला फिर नहीं लबना जो भी जंगा सोयो बढ़ना मुड़ आना तू इस बाजार नहीं, कोई कोई यार गरीब दा बनदा ये कोई सौखी कार नहीं। और 1966 की फिल्म चुगलखोर, वो जो गाना वाले साहब पे फिल्माया गया और साथ उनके नीलो पैर में थी, तो गाना बड़ा प्यारा है कि मुख तेरा वेखिया जरूर थोड़ा जया नहीं मैदे विच मिले संदूर थोड़ा जया नहीं। मुख तेरा जरूर थोड़ा जया नहीं मुख तेरा जरूर थोड़ा जया जिवें मैदे विच मिले संदूर थोड़ा जया। जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जो भी अदाकार आता था स्क्रीन पर और पीछे राणा साहब की आवाज़ होती थी मसूद राणा साहब की, तो वो प्यारा लगने लग जाता था। तो मोहम्मद अली साहब की एक फ़िल्म आई 1966 में जिसका नाम था आईना, उसका गाना बड़ा मशहूर हुआ मोहम्मद अली साहब पे, वो पिक्चराइज हुआ, तो गाने के बोल कुछ यूँ थे कि तुम ही हो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुझे प्यार करूँ मेरा प्यार याद रखना। और 1967 में एक फ़िल्म आई अकमल ख़ान साहब पे, वो गाना पिक्चराइज हुआ और फिल्म का नाम था चाचा जी, और चाचा जी का वो गाना जो बहुत सुपरहिट हुआ और लोगों के दिलों के बहुत करीब है, तो उस गाने के बोल कुछ यूँ हैं कि कल्ला बंदा होवे भावें कल्ला रुख नहीं दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुख नहीं तू कली कली किथे चली है किथे चली है नहीं ज़रा ठहर जा। कल्ला बंदा होवे पावे कल्ला रुख नी दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुख नी तू कली कली किथे चलिए नी जरा ठहर जा गोरिए ठहर जा। कल्ला बंदा होवे पावे कल्ला रुख नी दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुख नी। और 1974 में एक फिल्म आई नगरी दाता दी, और दाता हजूर की शान में उन्होंने गाया और बड़ा मशहूर हुआ वो गाना, समझ लें कि सजनों ये नगरी दाता दी इत्थे आंदा कुल जमाना दर मेरे मुर्शदा पीरा वलियां दा आस्ताना ये नगरी दाता दी। नगरी दाता दी इत्थे आंदा कुल जमाना दर मेरे मुर्शदा पीरा वलियां दा आस्ताना ये नगरी दाता दी। 4 अक्टूबर 1995 में वो सफ़र कर रहे थे एक ट्रेन में, तो वहीं पे उनको हार्ट अटैक हो गया और वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। और एक बहुत बड़ा बाप जो कि बंद हो गया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सिंगिंग के मैदान में,
तो जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आया तो वो हयात थे अल्लाह की रहमत से, और मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे से बहुत शफ़क़त का जो इज़हार किया, वो मेरे वालिद साहब के बड़े करीबी जो दोस्त थे, भाई की तरह थे, और बड़े अच्छे और नेक इंसान थे। तो बड़ा प्यारा उनका ज़िंदगी का सफ़र गुज़रा और ख़ुदा की ज़ात पाक ने उनको बड़ी इज़्ज़त अफज़ाई से नवाजा, और आज भी लोग उनको याद करते हैं। दो दो निगार अवार्ड भी उन्होंने हासिल किए और बड़ा नाम हुआ उनका, तकरीबन बड़े सगीर पाक और हिंद में उनका नाम हुआ, गाने मशहूर हुए। तो व्यूअर्स, ये वो व्लॉग था जो कि गाने तो मैं सारे नहीं आपकी खिदमत में पेश कर सका क्योंकि टाइम की कमी की वजह से ज़्यादा लंबा हम व्लॉग नहीं बना सकते। तो गाने इतने हैं, सैकड़ों के हिसाब से उनके गाने हैं और बेहतरीन से बेहतरीन गाने। तो इंशाल्लाह फिर कभी उनके ज़िंदगी पे बनाएंगे और उनके जो लाइफ के जो सुपरहिट गाने हैं उनके जो मज़ीद गाने हैं वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।